हे स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, या वी कैन से दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, या फिर किसकी बात करने वाले हैं, कंबाइंड गैस लॉज की। ठीक है, तो इसको करने से पहले आप सबको मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप फर्स्ट चैप्टर में भी करते हैं और वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। वहां पे बच्चे आपको बोल दिया जाता है कि अभी आप बस याद कर लीजिए कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। फिफ्थ चैप्टर में चलकर हम पढ़ेंगे कि व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें, सबको मालूम है पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है, और टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है। तो भी हम बात करने वाले हैं ये इक्वेशन हमने कैसे डिराइव करी है। देखिए नाम से देखिए, कंबाइंड गैस लॉज मीन गैस लॉज को जब आपने कंबाइन कर दिया तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट देखने को मिली। ठीक है, तो हम बात करें बच्चे सीधे डायरेक्ट यहाँ से बात करने वाले हैं किसकी। सबसे पहले हम बात करें, हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मैं बोलूं इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कीपिंग क्या कॉन्स्टेंट रखा था, एन और टी कॉन्स्टेंट, कीपिंग एन एंड टी कॉन्स्टेंट। पढ़ा है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। अभी अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट, और इस गैस लॉ को हमने बोला एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक लॉ हमें पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और क्या कॉन्स्टेंट, एन एंड टी को क्या रखा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, एन एंड टी को क्या रखा, कॉन्स्टेंट। अब देखिए तीनों ही लॉ वॉल्यूम को रिलेट करते हैं प्रेशर से, टेम्परेचर से और नंबर ऑफ मोल से। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइन करके मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हटाया गया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया गया, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगा दिया और उस कॉन्स्टेंट को हमने कह दिया आर एन टी बाय वीपी। और इस इक्वेशन को मैं अगर रीअरेंज कर दूं तो मैं कह दूं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर हमने सभी के सभी गैस लॉज को, कौन से गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और चार्ल्स लॉ को हमने क्या किया, कंबाइन करके ये इक्वेशन डिराइव करी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स वन है, यानी कि फॉर वन मोल ऑफ एनी गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी, किसके लिए, फॉर वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस। और यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट था इसको वैसे मैंने पहले बता दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट या मोलर गैस कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, मीन अंडर डिफरेंट कंडीशन अलग अलग होती है, वैसे फिक्स वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसको हम डिराइव भी करने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल, सो ऑन। तो इस इक्वेशन को हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्यों, क्योंकि ये इससे आप किसी भी स्टेट में क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कोई भी अदर क्वांटिटी जो आपसे पूछी गई है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या बोला, आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, गैस लॉज को हमने क्या किया, कंबाइन किया, और हमारे पास जो रिलेशनशिप आई उसको हमने क्या कह दिया, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चे, यहीं से हम चल रहे हैं इस चीज के बारे में कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं एन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय में मोलर मास, और यहाँ पे हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास इंटू आर इंटू टी। देखिए वॉल्यूम एम को इधर ले जाइए, पी एम इज इक्वल टू एम बाय में वी आर इंटू टी। देखिए एम बाय वी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं बच्चे, सीधा सीधा हमें दिख रहा है दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, जहां पर डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस। और अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो मैं कह दूंगी पी एम बाय में आर टी।
तो मींस यहां से भी अगर आप देखें आर तो कांस्टेंट है ही, अगर प्रेशर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, डेंसिटी, प्रेशर, मोलर मास, आर या टी, कोई भी चीज हमें यहाँ से अगर डिराइव करनी है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन आने के बाद आपको किसी भी गैस लो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो पहले आप कभी चार्ल्स लो यूज करते हैं, कभी बॉयल्स लॉ यूज करते हैं, कभी आप एवोगैड्रो लॉ यूज करते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट आने के बाद यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन आने के बाद आप सभी गैस लोस के क्वेश्चन बहुत आसानी से इस इक्वेशन का यूज करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हमने कहते हैं कि अगर ये इक्वेशन वन मोल के लिए है तो हम कहते हैं पीवी बाय में टी इज इक्वल टू दैट इज आर विच इज अ कॉन्स्टेंट, मीन पीवी बाय में टी किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट के बराबर। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ P1V1 by में T1 is equal to P2V2 by में T2, that is also constant, क्यों? क्योंकि ये constant number है, इसका मतलब क्या हुआ, ये constant चलता रहेगा, means हमेशा इनकी वैल्यू जो आएगी वो constant आएगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लो। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लो। तो इस तरीके से ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, दीज थ्री इक्वेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या यूजफुल टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए या न्यूमेरिकल के लिए ये तीनों के तीनों इक्वेशन क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो गैस कॉन्स्टेंट आर है इसकी वैल्यू आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आर। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस कॉन्स्टेंट से रिलेटेड आर की वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में तुम्हें मिलती है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास रिलेशनशिप आई क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, और एक हमने बात करी क्या, पी एम बाय में आर डी दैट इज इक्वल टू डी, या पी एम इज इक्वल टू डी आर डी, यानी कि डेंसिटी अगर हमें निकालनी है। और एक इक्वेशन की हमने बात करी क्या, पी वन बी वन बाय में टी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू बाय में टी टू। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशन का यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल इजिली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर, देखिए आर अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसके लिए, फॉर वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है बेटा, पीवी बाय में एन टी दैट इज इक्वल टू आर, मीन्स आर जो है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो बच्चे यहां से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर एसटीपी की कंडीशन हमें गिवन है, कौन सी कंडीशन गिवन है, फॉर एसटीपी कंडीशन, और अभी भी हमने बात की एसटीपी की कंडीशन का मतलब क्या है, जहां पर प्रेशर क्या है, पहले वाली हम बात करें, अगर प्रेशर वन एटमोस्फेयर है, प्रेशर कितना है वन एटमोस्फेयर, वहां पर वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर जो है मुझे वहां पर वो कितना होगा 273.15 केल्विन या 273 केल्विन। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखिए, देखिए प्रेशर 1, वॉल्यूम 22.4 एंड मोल्स 1 मोल के लिए है, तो 1 मोल इनटू टी कितना है हमारा 273.15। तो बच्चे जब इसको कैलकुलेट किया गया तो जो आर की वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर, क्योंकि वॉल्यूम हमने लीटर में लिया हुआ है, प्रेशर हमने किस में लिया हुआ है, एटमोस्फेयर में लिया हुआ है, पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, पर मोल पर डिग्री या पर केल्विन, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। मींस अगर हमने ये कंडीशन देखी है, वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर अगर एटमोस्फेयर में है, तो आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन ली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें अब की, अगर प्रेशर 1 बार लिया जाए तो वॉल्यूम कितनी होगी 22.7 डेसीमीटर क्यूब या लीटर, और टेम्परेचर क्या रहेगा 273। तो यहां से जब आर गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया, 1 × 22.7 डिवाइडेड बाय 273 × 1 मोल, तो मुझे ये जो वैल्यू आई दैट विल कम आउट टू बी 0.0831, और वॉल्यूम हमने क्या लीटर बार या डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल
पर केल्विन या पर डिग्री। इट्स मीन दैट यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं आता है आर की वैल्यू में, वो 0.0821 और ये 0.0831 एटमोस्फेयर की जगह यहाँ पर बार डेसीमीटर क्यूब या लीटर पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके से आप प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट को चेंज करके अलग अलग वैल्यू आर गैस कॉन्स्टेंट भी निकाल सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये वाली वैल्यू है, मीन्स यूजली हम कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम को लीटर में ले, प्रेशर को एटमोसफेयर में ले, तो हमारे लिए आर गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। एक वैल्यू और हम यूज करते हैं मुझे आर के लिए, वो क्या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। ये वैल्यू हम कब करते हैं, जब हमें एनर्जी की टर्म्स में आर की वैल्यू को यूज करना होता है, मतलब कहीं पर एनर्जी की टर्म्स में हमें एनर्जी निकालनी है किसी भी सिस्टम की, तो वहां पे जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहां पर एनर्जी की टर्म अगर हमें यूज करनी पड़ेगी तो वहां पर आर की वैल्यू हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेते हैं, या 8.314 × 10⁻⁷ अर्थ पर केल्विन पर मोल भी हम यूज करते हैं। अगर अर्थ में हमें वैल्यू यूज करनी है तो हम जूल को अर्थ में चेंज करके 10⁻⁷ से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसी वैल्यू को हमें कैलोरीज में चेंज करना है, अगर इसी वैल्यू को किसमें चेंज करना है, इनकी कैलोरीज में हमें आर की वैल्यू अगर हमें लेनी है तो बच्चे जो 1 कैलोरीज होता है वो किसके बराबर होता है, 4.183 जूल के बराबर। अगर मुझे इस जूल को कैलोरीज में चेंज करना है तो मैं इसको इससे डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स अप टू बी 2 कैलोरीज। तो आर की वैल्यू अगर मुझे कैलोरीज में यूज करनी है तो कितनी करेंगे, दैट इज 2 अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं। वैसे वैल्यू पूरी पूरी 2 नहीं आती है, 1.987 समथिंग कुछ आती है, तो उसको हम यूजली फ्रैक्शंस में मतलब फ्रैक्शन को सोल्व करके कितना ले लेते हैं, 2 कैलोरीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पक्का याद रखनी है, ये तो सबसे ज्यादा याद रखनी है, ये भी एनर्जी के टर्म में ये वैल्यू यूज करनी है या फिर कैलोरी के टर्म में हमें 2 कैलोरीज हमें यूज करनी है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आर की वैल्यू वैसे तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी मिलेगी, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको गैस जो आर है यानी कि गैस कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, तो वहां पे आपको अपने आप से आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है और उसको यूज करना है। तो मैंने कहा इस चैप्टर में तो प्रोबेबिलिटी हम यही यूज करते हैं, कभी कभी यही यूज करते हैं, अलग अलग कंडीशन में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये सारा का सारा हमारे किसके लिए था, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो बच्चे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कीजिए, जो भी न्यूमेरिकल होगा वो इस इक्वेशन से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए या सभी गैस लॉज जो हैं उसके लिए हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ